प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। उदयपुर जिले के ओगना में 3 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के दौरान थानेदार उत्तम सिंह ने जो केस डायरी पेश की थी उसमें गिरफ्तारी का कारण ही नहीं लिखा, जिससे आरोपियों को रिहा कर देने से आज मामला फिर से भड़क गया। ओगना आज भी बंद कर थाने का घेराव कर रहे हैं। लोग फिर से गिरफ्तारी की मांग टायर जलाकर व काले झंडे दिखाकर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 3 छात्राएं स्कूल से छुट्टी के बाद स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर जा रही थी। भटवाड़ा के पास सुनसान जगह पर आरोपी मोहम्मद जावेद अपने 3 साथियों अहमद फराज, शाहरुख और तौफीक के साथ कार में आया। युवकों ने छात्राओं का रास्ता रोका और छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसके बाद अश्लील हरकत की, तब कस्बे का एक युवक आ गया जिसे देखकर आरोपी भाग गए। आरोपी जावेद ने एक छात्रा के घर रात को जाकर उठाकर ले जाने की धमकी दी। नाराज ग्रामीण मंगलवार को बाजार बंद करवाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। तनाव को बढ़ते देख पुलिस को 5 थानों का जाब्ता मौके पर रहा। इसके बाद सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन 3 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपियों को कोर्ट ने रिहा कर दिया। इसमें पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के दौरान थानेदार उत्तम सिंह ने जो केस डायरी पेश की थी उसमें गिरफ्तारी का कारण ही नहीं लिखा, जिससे आज फिर से माहौल खराब हुआ।